किए गए अमानवीय व्यवहार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में निगम आयुक्त को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें हटाने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और संभागायुक्त कार्यालय के सामने जमकर हंगामा भी किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया, विधायक जीतू पटवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हुए। प्रियंका गांधी जी ने और कहीं ने हमने उन्होंने दुख जताया, पूरे देश के लोगों ने दुख जताया कि इतनी निर्मम निर्दयता से हमारे गरीब और जो बुजुर्ग हैं, जो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पड़े, उनको एक मवेशी तरह से, पशु तरह से उनको ठूस ठूस के भर के जंगलों में जाके छोड़ रहे थे। तो पूरा देश मतलब दुखी था कि ये इंदौर में इस तरह से मानवता नाम की कोई चीज है कि नहीं है, वहाँ का प्रशासन को मानवता है कि नहीं, अमानवीय तरीके से, और सरकार भी मूक दर्शक बन के सुन रही देख रही मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। इसीलिए आज हमारे इंदौर के जाबाज कार्यकर्ता नेताओं ने आज यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना देकर उनको ज्ञापन देके महामहिम राज्यपाल के नाम से, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से, आज इंदौर शहर इतनी बड़ी घटना के बाद कलंकित हुआ। माँ अहिल्या की नगरी जहाँ न्याय के लिए जानी जाती है, माँ अहिल्या ने अपने बेटे को हाथियों के नीचे कुचवा दिया न्याय के लिए। मैं मानता हूँ कि एक तरफ कलेक्टर ये बात करते हैं कि मैं गणेश जी से माफी मांगता हूँ, दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के पत्रकारों के सवाल में निकल जाते हैं। अध्याय समाप्त हो गया क्या? बुजुर्गों का अपमान करके